महादेवा रोड स्थित सतना की रोड का यह हाल है कि कभी भी किसी भी समय बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। नगर निगम अपनी आंखों पे पट्टी लगाए बैठा है। क्या जनता के टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया जाएगा? आखिर नगर निगम का यही विकास है? जैसा कि महादेवा के पब्लिक स्कूल से पूछा गया, उनके द्वारा बताया गया कि कभी भी किसी भी समय बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है और नगर निगम दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। ये घटना हुई करीबन मतलब एक हफ्ते दो हफ्ते से हुआ है। ये मतलब यहाँ कई जन गिर चुके हैं, गाड़ी से गिर चुके हैं। अभी पिछले हफ्ते ही एक ऑटो वाला आया तो ऑटो वाले की पूरी ऑटो इसमें गिर गई। सवारियाँ बैठी थी 10 आदमी, वो बच गए गिरते गिरते। अभी गाड़ियाँ दिन भर इधर से चलती हैं, गाड़ियाँ ट्रक बस कोई भी पलट सकता है धोखे में। सरकार एक भी ध्यान नहीं दे रही है। बहुत घटनाएं होती हैं, कृपया सरकार को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि रोड धस चुकी है और इस बारे में सरकार कोई भी ध्यान कदम नहीं उठा रही। ये जहाँ जहाँ सिविल लाइन बिछी हुई है सभी जगह यही लापरवाही हुई है सरकार के द्वारा। हर जगह देखिए तो रोडों में सिर्फ ऊपर से पुराई कर दी गई है, बाकी अंदर धसाई कुछ भी नहीं हुई। जो भी ऑटो बस निकलती है सबको खतरा मंडरा रहा है। इधर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इधर बस निकलती हैं सवारियां लेके, इधर से पूरी लंबी रोड लगी हुई है, 150-150 आदमी बैठता है बसों में। कोई भी बस पलट जाएगी तो इसका जिम्मेदार सरकार होगी और कोई नहीं। तो इसलिए सरकार से मेरी आवेदन है कि जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को पूरे कार्य करवाया जाए और अच्छी तरह से मरम्मत करवाई जाए, नहीं तो इसकी जिम्मेदार कोई नहीं और सिर्फ होगी तो सरकार होगी। R9 भारत के लिए खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां पीड़ित संतोष तिवारी पिता श्री राम प्रकाश तिवारी निवासी सगरा, जिनका बैंक खाता यूनियन बैंक सगरा में है। बीते दिनांक 10 जुलाई की शाम 6:30 बजे लगभग फोन पे रिवॉर्ड का मैसेज आया। पीड़ित संतोष तिवारी कुछ समय पाते ही कूपन स्क्रैच करते ही पहला ट्रांजेक्शन में 4,336 रूपए खाते में कट गए। जैसे पैसे कटने की जानकारी लेने के लिए गूगल में सर्च करके बैंक का टोल फ्री नंबर खोजा गया और उस नंबर पर फोन लगाया गया तो कस्टमर केयर के द्वारा कुछ प्रोसेस फॉलो करने के लिए कहा गया। आपके कटे पैसे कुछ देर में वापस आ जाएंगे, मगर कुछ देर में संतोष तिवारी के बैंक खाते में 4 ट्रांजेक्शन में कुल 37,763 रूपए कट गए। वहीं आज दिनांक 7/11 को पीड़ित संतोष तिवारी ने पुलिस कंट्रोल रूम में आकर मीडिया को जानकारी दी कि मजदूरी करके हम अपने खाते में पैसा रखे हैं जो कट गया, अब इसकी शिकायत सगरा थाने में दर्ज करवाएंगे। जी, हमारा नाम संतोष कुमार तिवारी है। कहाँ के रहने वाले? ये हम रीवा जिला सगरा गाँव के। क्या घटनाक्रम है? जी, हमारे कल एक ऑफर आया था पे, उसमें फोन पे पे, तो गलती मतलब अब हम उसकी स्क्रैच को वो रिवार्ड दिए बोल के हमने उसको ओपन कर दिया और ओपन करने के बाद वो हमारा खाते में जाएगा बोल के हमसे UPI नंबर मतलब हम नोट किए, उसमें से 4,336 रुपये जो है पहली किस्त में कटा। उसके बाद कस्टमर केयर बन के फ़ोन किया हमने उसको, कैसे कट गया करके पता करने के लिए कस्टमर केयर में लगाया फ़ोन। तो कस्टमर केयर से दोबारा फ़ोन आने के बाद उस प्रोसेस को कि आपका रिफ़ंड हो जाएगा आ जाएगा और ये सब बताते बताते ये आप प्रोसेस कर लीजिए, शाम तक आपका वापस आ जाएगा। तो हमने वो बताते गया, हम ये कोशिश में थे कि बैंक अकाउंट नंबर ना बताएं, वो बताएं, लेकिन लास्ट में वो जो पूरा प्रोफेसी वो बता रहे थे कि ये आप ये कर लीजिए, तो हमने अपना UPI भी नंबर डाला तो उसमें से 3-4 बार में मतलब 37,000 रुपये कुछ कट गया उसमें से। इसकी शिकायत हमने अभी नहीं की है और सगरा थाना में जाएंगे और इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। कितने बजे की कब की घटना है ये? कल शाम 6 बजे के आसपास की बात है। अपने बैंक में संपर्क नहीं किया था? बैंक आज संडे होने के कारण अभी तो बात नहीं हो पाई है। कौन सा बैंक का अकाउंट है आपका? ये हमारा यूनियन बैंक का अकाउंट है, सगरा के घर के पास ही है। नाम बता दीजिए। जी, हम संतोष तिवारी है और ग्राम सगरा के हैं। R9 भारत के लिए रीवा से रिपोर्ट चतुरेश द्विवेदी की।